तो आइए चलते हैं दोस्तों। ये क्या है अब हम लोगों को पता तो नहीं है, तो अंदर जाके पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर तो मैं आ रहा हूँ, लेकिन ये क्या है? अभी गुफा है, ऐसे गुफा ऐसे बोल रहे हैं, मेरे साथ में है वो लोग। तो अब चलते हैं, देखिए। अच्छा, ये अंडरग्राउंड पंडाल है। तो देखिए दोस्तों, आज चलते हैं अंदर। चलना, तो हम लोग गुफा पे तो आ गए दोस्तों। ये देखिए, इधर इधर सारे देवी देवता, मतलब पंडाल है ये, समझो एक। तो अंदर चलिए, दर्शन करा देते हैं आपको। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। ये कैसा है? तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये। तो माँ ब्रह्मचारिणी है माता। तो इसके बाद चलते हैं दोस्तों इधर। ये तो इसका नामकरण तो नहीं दिख रहा है, ये माँ सेरा वाली जानते हैं इसको। तो इस तो माँ ये कंसुजी। तो इधर देखिए, एक और मंदिर माता है। कल्याणकारी माता। तो फाइनली हम लोग तो इसके अंदर तो घूम चुके हैं। इधर बैठने की व्यवस्था है। ये अंडरग्राउंड में देखिए दोस्तों, ये कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ अंडरग्राउंड में बना हुआ है, तो हम लोगों को तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं लास्ट दिन में ही इतना अच्छा रौनक पता था। पहले पता चलता था तो मैं यही आता घूमने के लिए, पहले ब्लॉग के लिए। तो यहाँ तो आना चाहिए था पहले। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं अपने छोटे भाई के साथ आया हूँ, युवराज। ये तो बहुत ही, तो ये यहीं रहता है, तो मैं इसके साथ ही घूम रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों कैसा लग, ये देखिए। तो हम लोग तो चार लोग आए हैं। मामा को देखिए, वहाँ पास हैं, वो तो इधर आ भी नहीं रहे हैं। क्या कर रहा है पता नहीं वहाँ पास, और किसको देख रहा है वो भी नहीं पता। तो चलिए दोस्तों, हमारा ब्लॉग तो यहाँ का कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ का मेरा ब्लॉग हो गया कंप्लीट। तो मैं यहाँ चलता हूँ यहाँ से। तो देखते रहिए दोस्तों, ऐसे ही कवर्धा का बहुत कुछ ही मिलेगा ब्लॉग में। तो चलता हूँ, तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके रखे रहना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।